हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सिद्रा खान। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ ज़बरदस्त सी सिंपल मेकअप ट्रिक्स के साथ आप लोगों के लिए। ये वाली जो लुक आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी लुक मैंने ट्रिक्स के ज़रिए क्रिएट की है, ठीक है ना। जो पहली ट्रिक है वो देखें मैंने क्या किया। यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर को करी हूँ गीला, ठीक है। फिर मैंने रख दिया फ्रीज़र में, एक घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़ होने दूंगी और एक घंटे बाद फिर मैं अपनों इससे इस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करके अपनी फाउंडेशन को करूँगी ब्लेंड। अब यहाँ पर जी एक घंटा गुजर चुका है और मैंने कर लिया है फाउंडेशन अप्लाई, ठीक है। फाउंडेशन में आपको पता है कि मैं डॉट डॉट करके ही अप्लाई करती हूँ। ये भी एक अच्छी आप कह सकते हैं कि ट्रिक है कि आप डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे तो फाउंडेशन बड़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्लेंड नहीं करना। उसके बाद ये भी एक ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले कोई भी मेकअप फिक्सर लेना है, वो उसका एक स्प्रे कर देना है और उसके बाद वो जो आपने वेट आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर था जो कि अब फ्रीज़ होकर ठंडा हो चुका था, उससे आप लोगों ने इसको करना है ब्लेंड। मुझे लग रहा है कि मैं कोई कुकिंग रेसिपी बता रही हूँ, फ्रीज़ होके ठंडा हो चुका था। तो जी ये इसी तरह ही, और ये बड़ा रिफ़्रेशिंग सा होता है, बड़ा अच्छा कूल फीलिंग आ रही थी मेरे फेस के ऊपर और बड़ी अच्छी सी। इससे मुझे ये फील हुआ ये वाली ट्रिक से कि एक तो आपकी फाउंडेशन जो है वो नेचुरल हो जाती है और बिल्कुल ड्यूई सी एक फिनिश आ जाती है। देखें कितने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो चुकी है। उसके बाद जो जी दूसरी ट्रिक आप देख लें मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक अदद लिपस्टिक और लिपस्टिक के ज़रिए हम पूरा मेकअप तो नहीं, ब्लश ऑन और आई शेडो और लिपस्टिक तो ऑब्वियसली अप्लाई होनी ही है, तो हम इससे करेंगे पूरे फेस के। हम चेक करने वाले हैं ये आप लोगों को, ये मैंने हैक्स की वीडियोस अलग से डाली भी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये पूरी वाली लुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये मैंने कैसे क्रिएट की थी। तो मैंने जी लिपस्टिक के ज़रिए यहाँ पर कर लिया अपने फेस के ऊपर, चीक्स पे भी ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया और आई शेडो भी अप्लाई कर लिया इसके ज़रिए। आप देख लें, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो आई शेडो और ये सब चीज़ें तो आप वक्ती तौर पे ये काम कर सकते हैं। तो ये हैक वर्क करता है, बहुत अच्छा हैक है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक अदद लिपस्टिक ही है तो फिर आप लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर लें, देख लें फ्रेश फ्रेश सी लुक आ गई है, ठीक है ना। तो जी अगली जो मैं ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, अगला जो हैक मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है कट क्रीज़ आई मेकअप, ठीक है ना। आपने कट आँखों का आजकल बड़ा ट्रेंड है कि कट क्रीज़ कैसे करते हैं और बहुत से लोगों को नहीं करनी आती, डिफ़िकल्ट होती है, लाइन ड्रॉ नहीं होती ठीक से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आप लोगों के पास आई लैशेज होती हैं उसका जो पैकेट क्या कहते हैं वो मैंने कट कर लिया, ठीक है। उसको डी शेप में कट कर लिया, जिस शेप में वो बना होता है उसी शेप में मैंने कट करके उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है कंसीलर, और कंसीलर को देखे मैंने और वही वो डी शेप मैंने ऐसे करके स्ट्रेट आंखों पे दे, आपके सामने मैं कैसे रख रही हूँ। तो जी ये हमें उससे गाइडलाइन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रश से ब्लेंड कर लें। ये तो नहीं मैं कह सकती कि बड़ी परफेक्टली क्रीज लाइन आपको क्रीज डिफाइन हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी लाइन गाइडलाइन मिल जाती है और हम ब्लेंड कर लेते हैं तो वो एक अच्छी सी क्रीज बन जाती है। तो ये हैक भी वर्क करता है। तो जी ये भी बड़ा अच्छा हैक था, ठीक है। अगला हैक देखें मैं क्या करने वाली हूँ। अगला हैक मैं कोई नहीं करने वाली, वो जो मैंने कट क्रीज बनाई है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैं कोई सा भी गोल्डन, आप कोई सा भी शेड ले लें जो आपको पसंद है, तो मैंने एक गोल्डन सा शेड लिया और वो मैंने क्रीज़ के अंदर फिल कर दिया। उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी लैशेस ताकि हमारी ये वाली लुक आँखों की कंप्लीट हो जाए। आँखों की लुक हो गई ऑलमोस्ट डन। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। लाइनर मैंने लैशेस अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइनर भी हो जाए, ज़रा कट क्रीज़ की है तो एक अच्छी सी लुक आ जाए आँखों की। तो मैंने ये लाइनर विंग लाइनर अप्लाई कर लिया था और इनर कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये भी बड़ा अच्छा सा एक लुक आ गई थी आँखों की, ठीक है ना। देख लें कितने सिंपल स्टेप में हो गया। कट क्रीज भी जिनको नहीं बनानी आती वो आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हम कर लेंगे फेस को कॉन्टोर। ये कोई हैक नहीं है, ये मैं अपने तरीके से ही कॉन्टोर कर रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। आप लोग जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और कमेंट्स में भी बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर मैं जॉ लाइन को भी कॉन्टोर कर रही हूँ, ठीक है जी। तो जी नोज़ को भी कॉन्टोर कर लेंगे हल्का फुल्का। मैंने सोचा अब क्योंकि मैं हैक्स ट्राई कर ही रही थी ट्रिक्स, तो फिर मैं थोड़ा सा अपने फेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत सी ये सारी बल्कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं।
तो मैंने इसलिए ट्राई भी की थी। अब मैं यहाँ पर देख लें ब्लश, ऊपर से थोड़ा सा और ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मैंने आपको हैक बताया था ना। अब मैंने क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई की थी तो फिर मैंने सोचा कि हाईलाइटर, ब्लश ऑन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही होनी चाहिए ताकि एक लुक कंप्लीट हो जाए जी। तो देख लें हाईलाइटर, मुझे जहाँ जहाँ हाईलाइटर चाहिए वहाँ वहाँ हाईलाइटर अप्लाई कर लेंगे। लिपस्टिक को हम दोबारा से एक फ़ाइनल टच दे देंगे, क्योंकि वो मैंने फिंगर से ब्लेंड की थी, क्योंकि हैक में ऐसा करना था। तो जी ये हमने फ़ाइनल टच दे दिया और जी ये है हमारी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने लेंसेज भी अप्लाई कर लिए हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। और देख लें जी कैसी लग रही है आपको ये मेरी फ़ाइनल लुक। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो जी में आए वो करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो देखे जाएँ, क्योंकि जी तैयार हो के वीडियो बनती है जब, तो फिर हल्के फुल्के थोड़े बहुत पोजेस बर्दाश्त कर लिया करें। ये हमने एक नेकलेस भी पहन लिया था, मैंने कहा कि चलें जी ये वाली लुक भी दिखाई दें और बस बस ख़त्म। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।